हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस ब्लॉग में हम देखने वाले हैं रशिया के सुपरमार्केट्स, जिसको मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या यहाँ पे इंडिया से ज़्यादा डिफरेंट है और चीज़ें कुछ चीज़ों का जो प्राइस है वो इंडिया से कैसे वेरी करता है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अलग है, वो सारा आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। यहाँ पे देखो अपने इंडिया में एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, उसका प्राइस ना बहुत कम होता है। और यहाँ पे देखो ये है एल्यूमिनियम का बर्तन, ठीक है, पैन है, और इसका प्राइस है का सेक्शन है ये पूरा है कॉस्मेटिक्स वाला सेंटर। यहाँ पे तुम्हें फेस वॉश, बॉडी क्रीम, डियो, शैम्पू, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये पूरा होता है 3 रैक्स में कंप्लीट, ठीक है। तो प्राइस मोस्टली यहाँ पर ऑलमोस्ट, मतलब इंडिया से तो महंगा ही है। जो इंडिया में निविया की क्रीम आती है वो ऑलमोस्ट अराउंड आई गेस 200 या 150 की आती है, यहाँ पर वही चीज़ 300 के अराउंड है। एक चीज़ है, जो भी कॉस्मेटिक वाला सेंटर है यहाँ पे एक सेक्शन पूरा का पूरा तुमको टिश्यू के लिए मिलेगा, हर तरह के टिश्यू मिलेंगे, हर तरह का टॉयलेट पेपर मिलेगा। उनको मैं दिखाती हूँ, अपने इंडिया में तो वी रेयरली यूज टॉयलेट पेपर्स एंड ऑल, मतलब ठीक है यूज़ करते हैं पर इतना ज़्यादा नहीं, और यहाँ पर बहुत सारा है। ओके, यू शुड वॉच दैट चैनल। ओके, थैंक यू। ये सारा आता है टॉयलेट क्लीन वाला मटेरियल, कोलगेट हो गया, सोप्स हो गए, बॉडी वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, ये पूरा सेक्शन पूरा बाथरूम मटेरियल्स के लिए है, ठीक है। प्राइस देखो, इंडिया में तो हर चीज़ सस्ता मिलता है, यहाँ पे देख लो एक एक ब्रश का प्राइस कितना है, 300 to 400 rubles, 200 rubles, लाइक दैट, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छा टूथब्रश लेना है तो वो अराउंड तुमको 200-300 rubles का पड़ेगा, जो इंडिया में आराम से 50-60 rubles का आ जाता है, रुपीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ वेट वाइप्स मिलेंगी, हैंड वॉश मिलेगा एंड छोटे वाले टिश्यूज मिलेंगे, ठीक है। वो सेक्शन अलग से है पूरा, मैं दिखाती हूँ। हर वैरायटी की वेट वाइप्स मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ वेट वाइप्स मिलेंगी। और जो ये सुपरमार्केट है इनका एक पर्सनल ब्रांड है, ठीक है, आशान का जो पर्सनल ब्रांड है, उनकी पर्सनल चीज़ें जो होंगी, मतलब जो उनकी खुद सेल्फ डिज़ाइन थिंग्स हैं वो चीपर होंगी, ठीक है, कंपैरेटिवली टू जो ब्रांडेड थिंग्स है। तो ये देखो यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े टिश्यूज़ के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे रशियंस बहुत ज़्यादा टिश्यू यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं उसका रीज़न आगे बताती हूँ। चलो एक्चुअली मैं आपको बता दी कि यहाँ पे टिश्यूज़ का यूज़ इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वॉशरूम्स में जेट स्पेस नहीं होते, तो बेसिकली जितने भी रशियंस हैं वो सारे टिश्यू यूज़ करते हैं, उसके लिए यहाँ पर टिश्यू का सेक्शन अलग से बना रखा है, उनमें हर वैरायटी के टिश्यूज़ मिल जाएंगे। देन उसके बाद आता है अगला सेक्शन, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें मिलेगा स्पॉन्जेस मिल जाएंगे जो यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की तुम्हें डस्टबिन बैग्स मिल जाएंगे जो पॉलीथीन्स होती है, अलग अलग टाइप्स के बहुत वैरायटी मिलेगी तुम्हें यहाँ पे स्पंजेस की, ठीक है, मैं दिखाती हूँ उनको। सी अपने इंडिया में तो 2-3, फिर ये देखो ये सारे डस्टबिन बैग्स हैं, कितनी वैरायटी है पॉलीबैग्स की। अपने इंडिया में तो नॉर्मल जो खाने वाली पन्नी आती है उसी में कूड़ा भर के बाहर फेंक दिया जाता है। देन इसके बाद जो मेरे पीछे वाला सेक्शन है, ये वाला पूरा सेक्शन है क्रॉकरी का, यहाँ पे मिलेंगे सारे हर तरह के यूटेंसिल्स, बेकिंग मटेरियल, क्योंकि रशियंस जो हैं केक वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो बेकिंग मटेरियल यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। एंड बाकी बच्चे हुए जितने भी क्रॉकरी मटेरियल है, यूटेंसिल्स हो गए, चमचे हो गए, प्लेट्स हो गए, स्पैचुलास हो गए, वो सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, देखते हैं चलो। ये पूरा है बेकिंग, उसके कंपैरिजन में अगर मैं कांच का मटेरियल दिखाऊं तो कांच का जो मटेरियल है यहाँ पे वो कंपैरेटिवली सस्ता है। सी ये है पूरा कांच का मस्टर्ड, जितने भी प्लेट्स और बाउल्स वगैरह हैं, और ये पूरा है स्टील का मटेरियल जो कि इतना ज़्यादा कॉस्टली है। एक एक पैन, हर एक चीज़ मीन्स 1000-2000 से कम का तो कुछ है ही नहीं। सी
अब हम आते हैं यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में जो है खाने वाला सेक्शन, और वो मैं अब दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, क्या क्या इंडिया से चीज़ें अलग है, वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ। वेट से मिलेगा चॉकलेट वाला प्लेस, ठीक है, चॉकलेट वाला सेक्शन अलग है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके तुम्हें चॉकलेट टॉफीज मिलेंगे। देखो कितनी सारी वराइटीज़ है, यहाँ से चालू होगा ये एंड दिखाती हूँ मैं, ये सारी चॉकलेट्स हैं टॉफीज़ हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ की, क्योंकि रशियंस जो है वो स्वीट्स बहुत स्वीट और सिंपल खाना खाते हैं, मतलब या तो वो मीठा खाएंगे, तीखा तो वो बिल्कुल खाते ही नहीं है, ठीक है, एंड या तो फिर वो बिल्कुल ही सिंपल बॉइल्ड खाना खाएंगे। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी वराइटीज़ है चॉकलेट्स की, ख़त्म ही नहीं हो रहा, कितना ज़्यादा लंबा ये वाला सेक्शन, ये पूरा स्वीट्स वाला कॉर्नर है पूरा। हमें बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी कैट्स होती है, तो उनके लिए कैट्स का सेक्शन अलग है पूरा, फूड ही फूड मिलेगा, कैट का फूड मिलेगा, जैसे इंडिया में डॉग्स के लिए होता है ना, यहाँ पे कैट्स का फूड ज़्यादा मिलता है, डॉग्स का भी मिलता है बट कंपैरेटिवली कैट फूड ज़्यादा मिलता है। दिखाती हूँ वेट सी, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, पूरा जो पूरा एंड तक पूरा सेक्शन है पूरा कैट के लिए पूरा सेक्शन। चॉकलेट्स के बाद आता है ओपन सेक्शन, जहाँ से हम दाल वगैरह ले सकते हैं ओपन में, मतलब खुद पैक करके हमें खुद उसका स्टिकर लगाना पड़ता है, वो मैं दिखाती हूँ कैसे होता है, जो कि इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है, हमें खुद ही स्टिकर लगाना पड़ता है, बस जब पेमेंट होगा काउंटर पे जाके वो बार कोड के थ्रू स्कैन होकर बिल कट जाएगा, बट उससे पहले हमको खुद से स्टिकर लगाना पड़ता है। वो सारी चीज़ें खुली मिलती है क्योंकि यहाँ पे खुली शॉप्स तो होती नहीं, जैसे इंडिया में हम अपने मर्जी के हिसाब से इतना ग्राम ले आते हैं, यहाँ पे सब पैकेज चीज़ें आती है, बट सुपर मार्केट में ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पे हम खुला चीज़ ले सकते हैं, बट उसका स्टिकर हमें, ये है मशीन, यहाँ पे हमें जो भी हमने खरीदा है पॉली में डाल के रखना पड़ेगा, यहाँ से उठ जाएगी, उसको हम लगाएंगे, उसको हम काउंटर पे दिखाएंगे, तब जाके हमारा बिल कटेगा, ठीक है, मैं दिखाती हूँ। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा स्नैक्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे कुकीज़ वगैरह मिलेंगी, ठीक है, ब्रेड्स वगैरह मिलेंगे, चॉकलेट्स मिलेंगी, केक्स मिलेंगे, छोटे छोटे जो होते हैं जो भी कुकीज़ वाला मटेरियल है वो सारा ही वाले सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। अब जिन लोगों को डाउट था कि यहाँ पे मसाले मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, या फिर आटा मिलता है या नहीं मिलता है, दाल्स मिलती है नहीं मिलती है, उनके लिए मैं आगे दिखाती हूँ। उससे पहले इम्पोर्टेंट सेक्शन जाने से पहले एक और सेक्शन दिखा देती हूँ जो पूरा है ड्रिंक्स वाला सेक्शन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक्स मिलेंगे, अल्कोहल्स मिलेंगे, जूसेस मिलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये जो पूरा सेक्शन है मेरे पीछे वाला, ये पूरा अल्कोहल सेक्शन है और जूस वाला सेक्शन है, ठीक है। सी हर तरह के अल्कोहल के लिए ये वाला सेक्शन पूरा रिजर्व्ड है, मतलब बहुत बड़ा सेक्शन होता है क्योंकि ये रशियंस हैं तो ऑब्वियसली बात है लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। सी दिस इज होल इज होल सब में मिलता है, यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि हर जगह नहीं मिलता, इंडिया में अवेलेबल नहीं होता सुपर मार्केट्स में, यहाँ पे खुल्लम खुल्ला मिलता है। सी देन सामने जो है वो पूरा जूस वाला कॉर्नर है, वहाँ पे जूस ही जूस मिलेंगे, हर वैरायटी के जूस मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। उसके बाद ये अगेन फ्रेश है, जो पूरा मतलब पूरा सेक्शन ही था वो पूरा अल्कोहल्स का सेक्शन था। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन था जिसके लिए हर कोई डिमांड करता है कि हाँ हमें जानना है यहाँ पे चीज़ें मिलती नहीं मिलती, तो ये रहा वो सेक्शन। यहाँ पे सिर्फ मिलेगा आटा, आपके कुछ जो बेसिक स्पाइसेस होती है, मसाले होते हैं, सॉल्ट वगैरह और ऑयल्स, ठीक है। ऑयल्स में यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, लेकिन जिसको ये डाउट है कि सरसों का मस्टर्ड ऑयल मिलता है कि नहीं मिलता, तो मस्टर्ड ऑयल मिलता है यहाँ पर, रेयरली मिलता है बट मिलता है, मोस्टली यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल मिलेगा, ठीक है, मैं दिखाती हूँ। जो पूरा है ये सिर्फ फ्लोर्स के लिए, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के तुम्हें फ्लोर मिलेंगे, जैसे कि तुम्हारा कॉर्न फ्लोर हो गया, रिफाइंड फ्लोर हो गया, ठीक है, बेसन हो गया, ज्वार का आटा हो गया, मल्टीग्रेन आटा हो गया, और गेहूं वाला जो स्पेसिफिकली जिसको जिसकी डिमांड होती है, ये वाला जो होता है दिस इज होल वीट का, ठीक है, गेहूं वाला आटा है, और क्योंकि ये लोग केक्स वगैरह बहुत ज़्यादा बेक करते हैं इसलिए यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी का आटा मिलेगा, ठीक है। इंडिया में तो हमें पता है बस मैदा मिलता है, कॉर्नफ्लोर मिलता है, बेसन मिलता है या एक आध चीज़ें और मिलती है, बट यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद बेसिक जो स्पाइसेस है उसमें यहाँ पे क्या मिलता है, सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है, ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, सॉल्ट की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। सॉल्ट के बाद हमें खुले जो मैं दिखा रही थी कि ऑयल जो मिलता है, ऑयल की देखो यहाँ पे मोस्टली जो वैरायटी है ना वो सनफ्लावर ऑयल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, मोस्टली यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल मिलेगा, देखो ज़्यादातर। अगर तुम्हें मस्टर्ड ऑयल चाहिए तो मस्टर्ड ऑयल भी मिल जाता है, जैसे कि ये है, ये आई गेस मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, या फिर ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये लोग ऑलिव ऑयल जो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला मस्टर्ड ऑयल है यहाँ पे, सरसों का तेल, बाकी यहाँ पे मोस्टली ऑलिव ऑयल, और सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो मिलता है सनफ्लावर ऑयल, ठीक है।
यहाँ पे मिलते हैं ग्लास नूडल्स हो गए, ये वाला जो सेक्शन है पूरा का पूरा नूडल्स वाला सेक्शन है, कप नूडल्स, मोस्टली कप नूडल्स मिलती है ठीक है, और सॉस वगैरह यहाँ पे मिलेंगी भी, और ये पूरा सेक्शन हुआ है। उसके बाद अलग से आएगा एक आपका डेयरी वाला सेक्शन ठीक है, वहाँ पे सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जो लोग पूछ रहे थे कि दाल मिलती है कि नहीं मिलती, यहाँ पे बस इतनी ही वैरायटी मिलती है, हर वैरायटी नहीं मिलेगी दाल की, बट मोस्टली मिल जाएगी। जैसे राजमा मिल जाएगा, रेड वाला राजमा है ठीक है, और लोबिया मिल जाएगी ठीक है, उसके अलावा ये पिंक वाली दाल मिल जाएगी, येलो वाली दाल मिल जाएगी ठीक है, मिक्स वाली दाल मिल जाएगी, तो मोस्टली दाल मिल जाएगी, बट ब्लैक चना नहीं मिलता, मलके की दाल मिल जाएगी, एंड देन दिस इज़ मूंग की दाल ठीक है, स्प्राउट्स मिल जाएंगे, छोले मिल जाएंगे, देन दिख रही है ग्रीन वाली दाल है कोई, कौन सी है नाम नहीं पता मुझे, बट हाँ ग्रीन दाल है, तो मोस्टली दाल मिल जाएंगी, सूजी मिल जाएगी यहाँ पे, दैट इज़ दिस इज़ द कॉर्नर, यहाँ पे सूजी वगैरह मिल जाएगी ठीक है, बकवीट मिल जाएगा, दलिया मिल जाएगा, ओट्स मिल जाएंगे, मूसली मिल जाएगी, एंड फिर ये पूरा सेक्शन आता है पास्ता, अलग अलग वैरायटी के पास्ता है जो हमने कभी नहीं देखे। अब हम चलते हैं सब्जी वाले सेक्शन में, और यहाँ पर जो है ये सारी मिलती है प्योरीज वगैरह ठीक है, टमाटो प्योरी और जो भी पिकल्स वगैरह होते हैं, इंडियन पिकल्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, बट ये सारी यहाँ पे प्योरीज वगैरह है ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको वेजिटेबल वाला कॉर्नर की प्राइस क्या क्या होता है यहाँ पे। सी यहाँ पे जो प्यार अनियन है, अनियन की बहुत सारी वैरायटी मिलती है, देखो ये पहली वैरायटी तो ये है अनियन की, फिर कैरेट की भी बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, पहली वैरायटी ये है, फिर दूसरी है, फिर ये पटेटो है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पर अलग है, एंड देन उसके बाद आगे मैं और सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि कितनी वैरायटी मिलती है, हम लोग कन्फ्यूज जाते हैं। और साथ साथ इस साइड का कॉर्नर मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे सब कुछ स्टोर्ड वाला मटेरियल मिलता है, जैसे कि मटर हो गए ठीक है, कॉर्नस हो गए, ये सारे प्रिजर्वेटिव में स्टोर करके मिलते हैं, स्टोरेज वाला मटेरियल, मतलब फ्रेश नहीं होता बेसिकली ठीक है। फिर ये है हमारा ब्रिंजर ठीक है, अभी तो थोड़ा वेदर ठीक है तो इस वजह से सस्ते हैं, बट नहीं तो उस टाइम पर बहुत महंगे होते, बट ये ख़राब है, अच्छे नहीं है। कैप्सिकम का प्राइस देख लो 300 रुपये ठीक। फिर ये दिस इज़ जिंजर 900 रुपये ठीक है, एंड देन पर्पल वाली कैबेज, एंड देन दिस इज़ बॉटल गार्ड, फिर एक और कैरेट की वैरायटी, आई टोल्ड यू ना कि सी अनियन की कितनी वैरायटी है, एक वहाँ पे दिखाई, देन दिस इज़ अनदर वन, दिस इज़ अनदर वन, एंड दिस इज़ वाइट अनियन, एंड देन उसके बाद वहाँ पे एप्पल्स है, एप्पल्स की बहुत सारी वैरायटी है और उनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा महंगा है। सी बनाना इज़ वेरी कॉस्टली, सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पर, बट अभी समर्स आ गए हैं तो प्राइस फिर भी बेटर है, अगर हम ऑफ सीजन में देखें तो बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ठीक है। उसके बाद दिस इज़ टमाटोज, टमाटो की अलग अलग वैरायटी है, हर वैरायटी अलग है, हर वैरायटी का प्राइस अलग है, ये पैकेज टमाटोज है। फिर उसके बाद यहाँ पे अलग से आते हैं चेरी टमाटोज, छोटे छोटे वाले ठीक है, उसकी वैरायटी अलग है, और उसके बाद जो बेसिकली समर फूड है वो सारा वहाँ पे, उसका प्राइस दिखाते हैं और कंपेयर करते हैं इंडिया से कितना है। वाटरमेलन्स, एंड सी द प्राइस ऑफ वन वाटरमेलन, दिस इज़ 208 रुपल, एंड इंडिया वी गेट इट फॉर ओनली 10 or 15 रुपीज। दीज आर ऑल मेलन्स, वाटर मेलन, एंड फिर यहाँ पे खरबूजे हैं, वाइट वाला खरबूजा है, एवरीथिंग। हेलो, अभी यहाँ पे तो रशन मिले, उन्होंने हाय बोला, एंड देन दीज आर प्लम चेरीज ठीक है, एंड ग्रेप्स, अलग अलग वैरायटी है, सारा समर फूड है यहाँ पे। तो हेयर कम्स, जो मेरे पीछे वाला सेक्शन है ये पूरा है डेयरी सेक्शन, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के दूध मिल जाएंगे, दही मिल जाएगा, छाछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा ठीक है, और एग वगैरह मिलेगा, चीज़ मिलेगा, बहुत वैरायटी का चीज़ मिलेगा, मैं दिखाती हूँ। चीज़ तो पूरी लाइफ टाइम में नहीं खाया टाइप का, ये पूरा मिल्क की वैरायटी है, दही की वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटीज़ है जो हमने ट्राई भी नहीं करी अभी तक, बट बेसिकली ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये पूरा डेयरी सेक्शन है। इसके बाद आता है जो रेस्टोरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन, वो है नॉन वेज कॉर्नर ठीक है। यहाँ पे स्मेल बहुत गंदी आती है, और ये मेरे काम का मटेरियल तो बिल्कुल नहीं है, तो मैं आपको दूर से दिखाऊंगी कि पूरा का पूरा नॉन वेज सेक्शन है ठीक है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं तो इधर मतलब जा भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आती है, सब कुछ डीप फ्रीज किया होता है, तो मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। दीज आर ऑल नॉन वेज थिंग्स, जो कि मेरे काम की बिल्कुल भी नहीं है। सी एंड यहाँ पर फिश वगैरह है, सब डीप फ्रीज की जाती है ठीक है। सी दिस इज होल नॉन वेज मटेरियल, और मैं बिल्कुल पास नहीं जाऊँगी क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा ख़राब है इसकी।
पास जो लास्ट सेक्शन है जो मुझे आपको दिखाना है वो है ब्रेड सेक्शन। यहाँ पे बहुत वैरायटी की ब्रेड्स मिलती हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा ब्रेड वाला सेक्शन अलग, जो ये वाली ब्रेड है ये है गार्लिक ब्रेड, इट्स एक्चुअली यम। देन उसके बाद फिर ये अलग वैरायटी की ब्रेड्स है, और ये पूरी सारी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की ब्रेड्स मिल जाएंगी। ये जो होती है ना ये डेली बनती है, फ्रेश यहीं पर बनती है और बहुत अच्छी होती है, मतलब हर वैरायटी की ब्रेड है यहाँ पे सी। क्योंकि रशियन जो होते हैं वो रोटी वगैरह खाते नहीं, या तो वो राइस लेते हैं या फिर वो ब्रेड्स खाते हैं, दे सर्वाइव ओनली ऑन ब्रेड्स सी। यू कुड सी द ब्रेड्स एंड यहाँ पे अभी मतलब वीडियो में तो आपको फील नहीं होगा, बट जो यहाँ पे स्मेल आती है ना ब्रेड्स की, दैट इज सो गुड, बहुत अच्छी होती है। हमें तो हर जगह अभी नहीं है, बट यहाँ पर एक ये लास्ट चीज़ है, यहाँ पे हम सेल्फ बिलिंग कर सकते हैं, लेकिन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स लगे थे, देखो कितने सारे कैमराज लगे हुए हैं, तो कोई भी मतलब ऐसे चोरी करके नहीं जा सकता, सेल्फ बिलिंग का ऑप्शन रहता है। नहीं तो फिर यहाँ पर जो काउंटर्स हैं वहाँ काउंटर्स पर जाके तुम अपनी बिलिंग्स करा लो। और ये स्कैनर्स लगे होते हैं, इनमें हम देख सकते हैं किसी भी चीज़ का प्राइस, अगर हमको कन्फर्म नहीं है क्या है तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये था पूरा सुपरमार्केट का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा डिटेल में चाहिए, जो बच्चे मतलब रशिया में आना चाह रहे हैं उनको जानना है कि यहाँ पे चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या मिलती है, तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर नया वीडियो बनाने का अच्छे से डिटेल में। अभी ये पूरा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू था कि यहाँ पे चीज़ें ऐसे ऐसे मिलती है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड इफ़ एनीवन वांट्स टू टेक एडमिशन इन माय यूनिवर्सिटी, या फिर जो एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, इफ़ यू हैव एनी क्वारीज, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, कॉमेंट करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।